नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं, पंजाब की शान और जान डीडी कल्याणी साहब, जिनको सुनने के लिए एक दो नई सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और वाल्मीकि समाज से हैं साहब कल्याणी साहब। कल्याणी साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो हाँ जी बिल्कुल भाई, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ एसएम न्यूज़ का कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी मूलवासी बहुजनों के पुरखों की जानकारी है जन जन तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए वंस अगेन मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ। कल्याणी साहब, आप वाल्मीकि समाज से हैं और वाल्मीकि समाज के दुख को दर्द को बहुत अच्छे से शुरू से ही आप सहते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि आखिरकार वाल्मीकि समाज का क्या है इतिहास, वो बताएं। ऐसा है सुरेंद्र जी, वाल्मीकि समाज नहीं है, वाल्मीकि एक जाति है। क्योंकि भारत के अंदर ब्राह्मणों ने एक ऐसी साजिश किया, आजकल हर जाति अपने आप को समाज कहती है, समाज एक अच्छी संकल्पना है लेकिन जाति जो है वो तोड़ने का काम है, इसलिए वाल्मीकि एक जाति है। और भारत के अंदर जो सफाई कर्मी जातियां हैं वो सैकड़ों जातियां हैं लेकिन सफाई का काम करती है, और एक जाति का दूसरी जाति के साथ कोई किसी तरह का संबंध नहीं है। और ये सारी की सारी जो रचना रची है, साजिश रची है, ये ब्राह्मणी संस्कृति का देन है। परंतु मैं ये देखता हूँ कि ये जो जातियाँ हैं ये इनका बहुत गौरवशाली इतिहास है, और स्पेशली आप जो नाम ले रहे हैं वाल्मीकि जाति जो है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे हक हकूक के लिए लड़ रहे थे तो बड़ी ख़ास बात उस ज़माने में की, जब लोग अनपढ़ थे। तो मुझे अभी तक याद है कि मैं अपने एक साथी से जिनका नाम भागमल पागल है, वो वाल्मीकि जाति से थे, तो वो कहते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे थे तो वाल्मीकि जाति के लोगों ने इकट्ठा होकर अपना ब्लेड से अपना खून निकाला उंगली में से, और वो उंगली मतलब से अपना पत्र लिख के कि बाबा साहब को कहा कि हमारा खून आपके लिए हाजिर है। और खुशी की बात है कि हरिंदर के एक महान विद्वान हैं, तो वो हमारे से एक साल पहले वहाँ इंग्लैंड गए और वो कहते वो उन्हें पत्र देख लिया है जो वाल्मीकि जाति ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा था कि आप हमारे नेता हैं, हम आपके साथ हैं। तो उस ज़माने के वो लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं थे तो वो जानते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनको इस बात की कम जानकारी है, परंतु हम देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, आज जितने भी छोटे आंदोलन हो रहे हैं या बड़े आंदोलन हो रहे हैं, और स्पेशली 2 अप्रैल 2018 वाला आंदोलन और आज जो 21 अगस्त को जंतर मंत्र पर जो है उन्होंने हमारे महान गुरु रैदास जी का जो मंदिर गिराया है, वो बस मंदिर नहीं है, मंदिर गिराने की बात नहीं है, वो तो हमारे पुरखों की विचारधारा को गिराना चाहते हैं। पर याद रखिए, अगर किसी पुरखे की विचारधारा को आप सोचते हैं फिजिकली मैं ख़त्म कर सकता हूँ, वो विचारधारा और उभर के आती है। और ख़ास बात यह है कि इस आंदोलन में ये जाति जो वाल्मीकि जाति है, इन्होंने डट के साथ सहयोग दिया, और मुझे लगता है कि आजकल उस जाति के पढ़े लिखे लोग भी इस अपना आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये गौरवशाली इतिहास का एक रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से आज वाल्मीकि जाति के लोग भी इस फूले अम्बेडकर के मूवमेंट में साथ आ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जाति के पढ़े लिखे लोगों को भी इस आंदोलन में, क्योंकि ये आंदोलन जो है एक तरफ ब्राह्मणवाद का आंदोलन, मुर्दा जिंदा लोगों को मुर्दा करने का विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो मुर्दों को जिंदा करती है, और जो मुर्दों को जिंदा करने की विचारधारा है वो एक नया तरह का परिवर्तन लाएगी, और ये परिवर्तन अब आना शुरू हो गया है, और ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा परिवर्तन आने वाला है। सिर्फ ज़रूरत है कि समाज के पढ़े लिखे लोगों को पे बैक टू दी सोसाइटी का जो बाबा साहब का कंसेप्ट है उसके ऊपर उनको अमल करना होगा। आप थे हमारे साथ डीडी कल्याणी, जिन्होंने बताया कि वाल्मीकि समाज ही नहीं, पूरे जो जातियों में वर्गीकृत कर दिया है मनुवादी सरकार ने, मनुवादी लोगों ने, और ये सभी जातियाँ एक हैं और सभी को मिलकर रहना चाहिए। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद साहब। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।